देश भर में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस साल दशहरे का त्यौहार 8 अक्टूबर यानी कल मनाया जाएगा। दशहरे के लिए पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम की पत्नी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। इसके पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की सेना ने माँ सीता को बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर दी थी। कई दिनों तक भगवान राम का माँ सीता को बचाने के लिए युद्ध चला। इसके बाद राम की विजय हुई और उन्होंने रावण का वध कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण जैसे विद्वान आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुए, वह महापंडित था। साथ ही पूरे ब्रह्मांड में शिव का महान तत् भक्त था। जब रावण मरण अवस्था में था तो भगवान राम ने भाई लक्ष्मण को उनके पास शिक्षा लेने को भेजा। लक्ष्मण रावण के पास गए लेकिन वह कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण कुछ समय बाद वापस चले आए। भगवान राम ने पूछा तो लक्ष्मण ने सब कुछ बताया। राम ने फिर कहा, यदि किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों में खड़ा होना चाहिए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और फिर सर के पास खड़े होकर चरणों में खड़े होना। लक्ष्मण फिर से रावण के पास पहुँचे। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को 3 बात बताई और ये बात आज का सत्य है। इन 3 बातों का पालन करने से जीवन में कई भी परेशानी और विफलता हाथ नहीं लगती। जानिए ये कौन सी 3 बात थी। शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके शुभ काम कर देना चाहिए। यदि देर करेंगे तो परेशानी होगी या फिर पछताना पड़ेगा। अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं आंको, ऐसा करेंगे तो आप अपने हमेशा बेहतर करेंगे। कमतर आंकने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी बात यह है कि अपना राज किसी को भी मत बताओ। रावण का राज विभीषण जानता था। इसी तरह यदि आप अपने राज बताओगे तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर।